भारत से रूस का तेल खरीदेगा अमेरिका। भारत ने मजबूती से रखा अपना पक्ष, भारत के आगे अमेरिका भी झुका। रशिया के यूक्रेन पर हमला करने और युद्ध के शुरू होने के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रशिया पर दबाव बनाने के लिए उससे तेल व्यापार पर रोक लगा दी थी। लेकिन वहीं ओपेक देशों ने तेल को महंगा करने के लिए क्रूड ऑयल का उत्पादन रोजाना 20 लाख बैरल कम कर दिया। इतना सब होने के बाद भी भारत ने रशिया से अपनी दोस्ती पूरी तरीके से निभाई और रूस के साथ तेल का व्यापार जारी रखा, जिस वजह से भारत को रूस से दूसरे देशों के मुकाबले क्रूड ऑयल सस्ते में मिल रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका जैसे देश भी इस वक्त रशिया से ही तेल खरीद रहे हैं, लेकिन भारत के रास्ते से। और अब जो अमेरिका भारत से खरीद रहा है वो भी रशिया से ही आएगा, लेकिन वो रिफाइंड भारत में होगा, यानी कि उसकी जो प्रोसेसिंग होगी वो भारत में होगी। आइए आपको ये पूरी खबर बताते हैं, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। रूस से तेल खरीद पर रोक लगाने के बाद अमेरिका ने देश में तेल की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए भारत की ओर रुख किया। मार्केट सूत्रों के अनुसार ग्लोबल ऑयल ट्रेड्स, विटॉल और ट्राफिगोरा दोनों ने भारतीय रिफाइनरी नायरा एनर्जी से 10 से 15 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से एक एक कार्गो वैक्यूम गैस ऑयल यानी वीजीओ खरीदा। सूत्रों की माने तो दिसंबर में ये कार्गो भारत के वादिनार पोर्ट से अमेरिका या यूरोप जाएगा। वीजीओ एक प्रकार का कच्चा तेल है जिससे गैसोलीन और डीजल बनाया जाता है। इससे पहले एफ्रोमैक्स टैंकर शंघाई डाउन ने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के जामनगर पोर्ट से कम 80,000 टन वीजीओ खरीदा था। ये खेप अक्टूबर के अंत में या नवंबर की शुरुआत में अमेरिका पहुंची थी। पिछले साल की तुलना में इस साल भारत ने अमेरिका को बहुत ही ज्यादा मात्रा में वैक्यूम गैस ऑयल की आपूर्ति की है। वहीं साल 2021 में अमेरिका ने भारत से जहां सिर्फ एक कार्गो वीजीओ खरीदा था, वहीं इस साल अमेरिका ने अभी तक कई खेप कार्गो वीजीओ खरीद लिया है। यूक्रेन युद्ध से पहले अमेरिका को सबसे ज्यादा वीजीओ रूस निर्यात करता था। यूक्रेन के साथ युद्ध के कारण रूस कई प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। अमेरिका और कनाडा ने रूस से तेल खरीद पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। वहीं यूरोपियन यूनियन भी 5 दिसंबर और 5 फरवरी साल 2023 से रूस से तेल खरीद पर रोक लगाने जा रहा है। लेकिन भारत दुनिया का तेल खरीदने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगने के बावजूद भारत रूस से भारी मात्रा में रियायती कीमतों के साथ कच्चे तेल की खरीद कर रहा है। भारत इस कच्चे तेल को रिफाइन कर पश्चिमी देशों को महंगे दामों में निर्यात कर रहा है, यानी कि भारत का फायदा और पश्चिमी देशों का घाटा, यानी प्रतिबंध पश्चिमी देशों के लेकिन मुनाफा भारत का हो रहा है। भारत में रिफाइनरी ने अप्रैल से अक्टूबर के बीच सस्ते रूसी तेल के आयात को बढ़ाकर 7,93,000 बैरल प्रतिदिन कर दिया है। ये एक साल पहले की समान अवधि के सिर्फ 38,000 बैरल प्रतिदिन से काफी ज्यादा था। इस खरीद में रिलायंस का हिस्सा करीब 23% और नायरा का हिस्सा करीब 3% है। चूंकि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन द्वारा लगाया गया प्रतिबंध रिफाइन तेल पर लागू नहीं होता है, इसलिए अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देश भारत को विकल्प के रूप में देख रहे हैं। वहीं भारतीय रिफाइनरी कंपनियों ने भी रूस से रियायत कीमतों पर तेल खरीदना काफी बढ़ा दिया है। एक आंकड़े के मुताबिक अप्रैल से अक्टूबर के बीच भारत ने रूस से 7,93,000 बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदा है। वीजीओ का उपयोग ज्यादातर गैसोलीन और डीजल जैसे प्रोडक्ट्स के उत्पादन के लिए रिफाइंड फीड स्टॉक के रूप में किया जाता है। यूक्रेन युद्ध से पहले रूस अमेरिका रिफाइनरियों के लिए एक प्रमुख वीजीओ सप्लायर हुआ करता था। वॉर्टेक्स के वरिष्ठ वीजीओ सप्लायर हुआ करता था। वॉर्टेक्स के वरिष्ठ ईंधन तेल विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका तेल खरीदने के लिए रूस के अलावा सभी विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। यहाँ बताते चले कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंध किसी तीसरे देश से निर्यात किए गए रूसी कच्चे तेल से उत्पादित प्रोडक्ट्स पर लागू नहीं होते। यानी कि अगर भारत रशिया से तेल या गैस खरीदता है तो वही तेल और गैस अमेरिका खरीद सकता है, क्योंकि अमेरिका के लगाए गए प्रतिबंध भारत पे कारगर नहीं है। लेकिन अमेरिका सीधे तौर पर रशिया से तेल या गैस नहीं खरीद सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे प्रोडक्ट्स मूल रूप से रूसी नहीं है। भारत ने जब से समझौते के लिए हामी भरी है तब से अमेरिका भी भारत की तारीफ कर रहा है। और जो अमेरिका अब तक भारत से नाराज था क्योंकि हम रशिया से तेल खरीद रहे थे,
अब वही अमेरिका कह रहा है कि भारत जितना चाहे उतना तेल खरीद सकता है, क्योंकि खरीदना तो हमें भी है। भारत के स्पष्ट रवैये के बाद अब अमेरिका ने कहा है कि वो खुश है कि नई दिल्ली जितना चाहे उतना रूस से तेल खरीदना जारी रखे। वो चाहे तो G7 द्वारा लगाए गए प्राइस कैप सिस्टम से ऊपर की कीमतों पर भी तेल खरीदे। US ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने इस बात को पूरी दुनिया के सामने कहा। पहले अमेरिका समेत यूरोपीय देश रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाने के लिए भारत पर दबाव बना रहे थे। दरअसल रूस के क्रूड ऑयल पर प्राइस कैप लगने से मॉस्को को कच्चा तेल बेचने पर जो मुनाफा हो रहा है उसमें कमी आ जाती, लेकिन अब अमेरिका ने ही भारत को इससे फ्री कर दिया। येलेन ने अमेरिका और भारत के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए आयोजित एक सम्मेलन में न्यूज कहा कि रूस के रिवेन्यू पर अंकुश लगाते हुए ये कैप अभी भी वैश्विक तेल की कीमतों को कम करेगा। येलेन के मुताबिक रूस उतना तेल नहीं बेच पाएगा जितना अब यूरोपीय संघ द्वारा आयात बंद कर दिया गया है, वो भी बिन कैप्ड कीमत या मौजूदा कीमतों में महत्वपूर्ण छूट का सहारा लिए हुए। भारत के लिए अच्छा सौदा, येलेन ने कहा कि तेल की कीमतों में कैप के अस्तित्व में आने से भारत, चीन और रूसी कच्चे तेल के अन्य प्रमुख खरीदारों को मॉस्को को भुगतान की जाने वाली कीमत को कम करने में मदद मिलेगी। येलेन ने कहा कि रूसी तेल सस्ते दामों पर बिक रहा है और हम खुश हैं कि भारत को बेहतर सौदा मिल गया। येलेन ने कहा कि भारत और निजी तेल कंपनियां किसी भी कीमत पर तेल खरीद सकती हैं जब तक वे इन पश्चिमी सेवाओं का उपयोग नहीं करते हैं और अन्य सेवाएं ढूंढ नहीं लेते। दरअसल ऐसा कहकर येलेन भारत को नहीं बल्कि खुद अपने देश को ही मौका दे रही है, क्योंकि वो जानती हैं कि रशिया के अलावा तेल खरीदने के लिए उनके पास कोई और विकल्प है नहीं और भारत ही है जो इस वक्त रशिया से तेल खरीद रहा है, तो वो सीधे रास्ते से रशिया का तेल खरीद नहीं सकती, इसलिए उन्होंने जो है उल्टा रास्ता निकाला है भारत के जरिए रशिया का तेल खरीदने का। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़ाया है और इस बात से नाराज अमेरिका समेत अन्य पश्चिमी देश नई दिल्ली पर लगातार दबाव भी बना रहे थे, लेकिन भारत ने हर बार अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। इन दिनों भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि मजबूत हुई है और उभर कर सामने आई है। दुनिया में पश्चिम से लेकर पूर्व तक और यूरोप से लेकर एशिया तक, अफ्रीका महाद्वीप से लेकर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तक सभी देशों के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। मतलब पाकिस्तान को और चीन को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर देश के साथ भारत बहुत अच्छे रिश्ते रख रहा है। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति, मजबूत नेतृत्व और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के दम पर दुनिया में लगातार दबदबा बढ़ा रहा है। भारत की ईमानदारी और लोकतांत्रिक प्रणाली दुनिया के देशों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इसी कड़ी में अब भारत ने अमरीका को भी तेल और गैस के क्षेत्र में निवेश का आमंत्रण दे दिया है। अमेरिका के ह्यूस्टन में आयोजित निवेशक सम्मेलन में भारतीय ऊर्जा और पेट्रोलियम क्षेत्र में निवेश के लिए संभावित निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कारोबारी सुगमता, अनुकूल भूविज्ञान, खुली डेटा पहुंच और समर्थन देने वाली कंपनी वाली नीतियों की जानकारी दी गई है।